पुरानी जोड़ी की कहानी पर डाली जाएगी रोशनी। क्या डायरेक्टर ने किया है एवेंजर्स के रास्ते पे जाने का फैसला। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बाहुबली 3 SS राजमौली की अपकमिंग अवेटेड फिल्म है, जिसने एक बार हमें महिष्मती की विशालता और उसके शौर्य की कहानी देख सकेंगे। फिल्म से जुड़ी अपडेट्स आए दिन आती रहती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, फिल्म में आखिर किस कहानी पर फोकस किया जाने वाला है, क्योंकि इस सवाल के जवाब से फिल्म से जुड़े कई रहस्य अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो क्या कहती है रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स और ट्रेंड्स, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी को लेकर कई बार बाजार में भी पॉपुलर है, कोई कहता है कि थर्ड पार्ट में शिवगामी की कहानी बताई जाएगी, तो कोई कहता है कि फिल्म में माहिष्मती की शुरुआत कैसे हुई थी उसकी कहानी पर गौर किया जाएगा। लेकिन हाल ही में आ रही खबरों के अनुसार इस बार सीक्वल में समय में पीछे जाने के बजाय कहानी को समय में आगे लेकर जाएंगे, इसका फैसला किया जा सकता है। यानी कि हो सकता है कि इस बार अवंतिका और महेंद्र बाहुबली की कहानी को फिल्म में सेंट्रल प्लॉट रखा जाए। दरअसल बाहुबली सीरीज में हमें लीडिंग लेडीज देखने को मिली थी, एक तो हमारी माइटी देवसेना जिसका किरदार अनुष्का शेट्टी ने निभाया था, और दूसरी अवंतिका प्लेड बाय तमन्ना भाटिया, जिनका इंट्रोडक्शन फिल्म में भले ही दमदार ना रहा हो लेकिन बाद में उनके कैरेक्टर का नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला का हाल कर दिया था। इससे नाराज तमन्ना ने कहा कि उनके कई सीन्स फिल्म से काट दिए गए थे, जिससे तमन्ना फैंस राजमौली और बाकी टीम से काफी खफा थी। और लेकिन राजमौली कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, और इस बात से वो खास तौर पर वाकिफ है कि एक स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल फिल्म की सक्सेस में कितना बड़ा रोल कर सकता है। तो तमन्ना के रोल में वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठे, इसका जवाब है कि शायद राजमौली उन सीन्स को हटाने के बजाय उन्हें आर्काइव में रख रहे हो तीसरे पार्ट के लिए। जी हाँ, जिसमें महेंद्र बाहुबली और अवंतिका की कहानी दिखाई जाएगी। जिस तरह एवेंजर्स सीरीज में कुछ भी यूं ही नहीं होता और सबकी तार किसी न किसी से जुड़ी होती है, जी हाँ वैसे ही कुछ बाहुबली सीरीज के साथ भी देखने को मिलेगा। अब इस कहानी को ऑडियंस कितना पसंद करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट्स में अपनी राय बताएं, और हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ये भी ना भूलें कि फिल्मी दुनिया से सारी खबरें हमारे यहाँ ही मिलती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।